नमस्कार, देख सकते हैं किस प्रकार से एक और जो मामला सामने है, काफ़ी दुखदाई मामला है। मात्र 2 घंटे का बच्चा था जिसको 12 फुट की छत से नीचे गिरा दिया जाता है, एक लिफाफे के अंदर बंद कर कर। जी आपको बता दें, एक लिफाफे के अंदर बंद करके उस बच्चे को जो है नीचे गिरा दिया जाता है। उसके बाद क्या कुछ पूरा मामला हुआ वो मैं आपको सुनवाऊंगा। हमारे साथ सविता आर्या पानीपत से मौजूद हैं, करनाल आज पहुँचे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से बताया, किस प्रकार से उनको पूरे मामले को उन्होंने देखा, पूरी संक्षिप्त में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना। जिस प्रकार से एक छोटे से बच्चे को, सिर्फ 2 घंटे का बच्चा था, उसको एक लिफाफे के अंदर बांधकर, उसका मुंह में कपड़ा डालकर एक खाली प्लाट के अंदर घेर दिया जाता है। जैसे ही वहाँ पर लेबर आती है, लेबर देखती है वहाँ पर बच्चा मिला है, तुरंत सूचना पुलिस व सविता आर्या जी को दी जाती है। वह मौके पर पहुँचते हैं और वहाँ पर देखते हैं, CCTV में देखने की कोशिश करते हैं कि इसका कुछ पता लग पाए, पर 4 दिन तक पता नहीं लगता। 5वें दिन एक महिला का फ़ोन आता है, मैं आपको इस चीज़ की जानकारी देना चाहती हूँ। उसके बाद सविता आर्या इसमें पूरा जो इंटरेस्ट है वो लेना शुरू कर देते हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखिएगा भी जरूर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैडम, एक बच्चे का जो मामला है, बच्चे को फेंक दिया गया था 12 फुट की छत के नीचे, अभी कुछ ही घंटे का वह बच्चा था, वो क्या कुछ पूरा मामला है एक बारी वो बता दें। वो 17 जनवरी को एक नवजात बच्ची जो है उसकी माँ ने पैदा करके उसके मतलब उसकी ओरनाल भी नहीं काटी और 12 फुट ऊंची छत से मुंह बांध के, मुंह में कपड़ा डूस के और बच्ची को नीचे फेंक दिया था उसकी माँ ने। उसके बाद मेरे पास भी फ़ोन आया था, पुलिस के पास भी आया था, पुलिस ने उसको जाके, लड़की को जाके हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। कुत्तों ने उसको नोच रखा था, आपने वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, आपने भी देखा होगा। उसके बाद फिर मैं मौके पर वहाँ पर पहुँची और मैंने वहाँ पर जो भी आसपास के लेबर वाले थे सबसे बात करी, महिलाओं को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और कई जब फैक्ट्रियों में जा जाके मैंने महिलाओं को कहा कि मैं आपको गुप्ती नाम दूंगी, मुझे उस क्योंकि आसपास की महिला हो सकती है। मैंने 4-4 घंटे बैठकर CCTV फुटेज चेक करी, उसमें कहीं पे जैसे मान लें यहाँ कोने पर बच्चा रख रखा था तो ये ऐसे रोड जा रहा था, ऐसे रोड जा रहा था, तो जो CCTV फुटेज में कहीं भी मुझे ये नहीं दिख रहा था कोई साइड आके डाल सकता है। तो मैंने उसको कहा कि है तो यहीं का कहीं का। तो उसके बाद फिर 3 दिन के बाद 20 तारीख को मेरे पास फ़ोन आता है एक महिला का कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार आप मुझसे मिल लो, इस बच्ची की माँ यहीं पे आसपास है। तो जब मैंने उस महिला से मिली तो उसने मुझे थोड़ा सा इशारा किया था सामने खड़े होके कि मैडम आपने पूरे 4 दिन से आप आ रहे हो, इधर की फैक्ट्री देखी, तो क्या उधर हाथ करके क्या आसमान से नीचे गिर गई, उसने इतना इशारा किया था, मखा आप जाओ। उसके बाद फिर मैंने कॉलोनी वालों को लेके और मैं गली में जैसे 2-3 फैक्ट्रियों में अंदर घुसी, वहाँ जाके फिर मैं वापस आके मैं उस लड़की के पास ऊपर गई और जाके मैंने जब उस लड़की से पूछा, उसके कुछ रिपोर्टें देखी तो मुझे पता लगा। मैंने लड़की को एक तरफ बुला के उससे बात करी, उसने हाँ भर लिख जी ऐसे ऐसे तीसरी गली में मेरा सिख है और हमारे संबंध थे, पहले गर्भ में हमने मारने की कोशिश करी, बच्चे को इन्हें दवाई ला कर दी लेकिन वो नहीं मरा। अनमैरिड थी मैडम? अनमैरिड थी, 21 साल की लड़की, आधार कार्ड में वो 21 साल के क्योंकि फैक्ट्री में जॉब करती थी। उसके बाद उसने बताया था कि बागपत का वो लड़का, उसने नाम वाम सब पूछो पुलिस के सामने, क्योंकि मैंने जब पूरी बात होने के बाद मैंने वहाँ पुलिस को बुला लिया था, पुलिस को गिरफ्तार करवा दिया था। गिरफ्तार करवाने के बाद जब उस माँ को गिरफ्तार करवा था, पुलिस अपनी उसको छुपाने के लिए, क्योंकि उसने अपनी ये छुपाना था कि भाई जो पुलिस नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि 50 से ज़्यादा नवजात बच्चे पानीपत में मिल चुके हैं, पुलिस नाकाम रही, तो अपनी उसको छुपाने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था उन्होंने उसको, उसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद जब 25 तारीख को मुझे 20 को कराया था, 25 तारीख को मुझे पता लगा कि भाई इसको कहीं ना कहीं पुलिस ये मतलब सेटिंग में है, इन दोनों की शादी करवा दो, क्योंकि जो लड़का है लड़के का जो वहाँ का कोई तिवारी नाम का कोई शर्मा है नाम के कोई 2 व्यक्ति ऑडियो रिकॉर्डिंग में आए हैं, अगर जिन्होंने पुलिस के साथ बैठकर पूरी साठगांठ करके और ये सेटिंग करी है कि भाई आप इनको जो लड़की है इसको इसके और इसकी निकाह करवा दो, निकाह करवाने के बाद रजिस्टर करवा के और बच्ची को आप ले सकते। पुलिस इसमें से बचना चाह रही थी, जैसे निकाह कराना चाह रही थी, निकाह इसको रफा दफा करना चाहती थी, इसमें कारण यही आया कि आपने ढूंढ लिया पुलिस ने नहीं ढूंढा, ऐसा कुछ निकल के ये नहीं पता ये कारण था या क्या कारण था। उसके बाद भी आप ये देखो कि 20 तारीख से लड़की एडमिट थी, पहले उसको 25 को छुट्टी करवाने लगे लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता लग गया तो मैं इर्द गिर्द हॉस्पिटल में घूमने लगी। 20 से 25 दिन 5 दिन का टाइम था, पुलिस बयान भी नहीं ले पाई उस लड़की। 25 कहाँ पे, कल हुई है, कल 2 मतलब 1 तारीख को, यानी कि 11 दिन तक पुलिस बयान नहीं ले पाई और हॉस्पिटल में और कुछ जैसे उसके फादर की रिकॉर्डिंग आई जिसमें पुलिस खुद ये कह रही है कि भाई वहाँ से लड़के वाले चल गए, यहाँ पे जो तुम्हारा निकाह कराने वाला जो वो है मौलवी वो तैयार है कि वो अपनी आपकी पूरी सेटिंग तैयार है ना कि एकदम से हॉस्पिटल से निकालेंगे लड़की को पीछे से और ले जाके दरगाह में उसकी शादी करके SDM कोर्ट ले जाएंगे। तो मतलब ये पूरा जो षड्यंत्र था वो सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो सारी वो मेरे तक, मैं मामला आपके पास नहीं आया था? नहीं नहीं वो तो लड़की का तो मामला मेरे पास ही है शुरू से ही, लेकिन 25 तारीख को जैसे मिला 25 की 28 की 27 की 26 की पूरी सारी वीडियो
वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग सब मेरे पास है, सारे मतलब सबूत मैं इकट्ठे कर। आप पूरी तरह से तैयार थे जैसे निकल? मैं तो लगी हुई थी, मैं तो हॉस्पिटल में भेष बदल के इधर से उधर घूम रही थी। जो उसका फादर सुबह आ जाता था हॉस्पिटल में, मैं उसके आसपास ही रहती थी, उधर जाता था तो मैं उधर से आ जाती थी, उधर जाता था। मैंने गाड़ी में दो तीन टोपे कैप गेयर रखी थी, दो तीन जैकेट गेयर, मैं ना आ सके। मैं क्या करती थी, मैं वो जैकेट बदली, मैं क्योंकि फादर का सकना हुई है, महिला तो पहले भी आई है, तो मैं जैसे जैकेट बदली मैं उस साइड का आ गई, फिर दूसरी बार मैंने कैप बदली उस साइड का आ गई, तो मैं उसके फादर के आसपास ही कभी फोन पे के बहाने फोन करती हूँ, यही इर्द गिर्द घूमती रही। और जैसे 28 तारीख को फिर एक रिकॉर्डिंग आएगी जिसमें वो उधर वाले लड़के के फादर ने पूछा कि भाई आप शादी तो करवा रहे हो लेकिन कैसे करवाएंगे, कहाँ करवाएंगे, कभी ऐसा ना हो जो मुकदमा दर्ज है और उसके बाद हमारे पास ऊपर कोई लफड़ाना पड़ जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, तिवारी जी ने सारी सेटिंग कर रखी है, जो वहाँ से कोई तिवारी जी आए हुए थे वो सारी थाने की सेटिंग करके गया है, खुद दरोगा जी हमारे साथ जाएंगे, दरगाह में जाकर शादी कराएंगे, उसके बाद ये पूरी सेटिंग, मामला जब तक शादी नहीं होगी जब तक ये मामला कैंसिल नहीं होगा, हम कैंसिल करवा के ही वापस आएंगे। और वही हुआ कल, जैसे ही फिर छूट मैंने एसपी ऑफिस में एक दरखास्त दी ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया कि इन्होंने तो मामूली सी धारा में एक नवजात बच्ची मिली, उसकी धारा में मुकदमा दर्ज है और इसको बार की बार जमानत दे सकते हैं अगर आप ज़्यादा शोर करोगे तो। उससे पहले फिर मैंने एसपी ऑफिस में एक दरखास्त दी जिसमें मैंने बताया कि भाई 307 धारा बनती है, एक बच्ची का या तो गला घुट के मर जाएगी, मुंह में कपड़ा ढूंस दिया, या फिर लड़की ऊपर से फेंकी है तो कुत्ते नोच रहे, वो कैसे न कैसे मरने की मनसा से तो फेंका था लड़की को, खुद अपने मुंह से कह रही हमने मरने की मनसा से घेरा था, तो पुलिस 307 धारा में तो जमानत होती ही नहीं थाने से। तो मैंने वो कल दरखास्त दी ना जब वहाँ पे थाने में, तो उसके बाद जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची, जैसे रूटीन में डेली जाती थी कई दिन से, जैसे मैं लगाई रही थी अपनी फील्डिंग ऐसे भाई कैसे भी ये बाहर निकलेंगे, इधर से निकलेंगे, इधर से तीन गेट थे, तीनों गेटों पे मैंने अपने आदमी छोड़ रखे थे। तो जैसे ही फिर मैं वहाँ पहुंची, उन्होंने कहा, मैं अंदर ही चली गई, मैंने पूछा कि छुट्टी मिल गई, नर्स ने कह दी मिल गई, तो मैं अंदर लड़की से मिलने गई, लड़की ने कहा कि छुट्टी तो मिल गई और अभी लड़के वाले आने लग रहे हैं, पुलिस हमें लेकर जाएगी, दरगाह में शादी होगी उसके बाद चले जाएंगे, मामला रफा दफा। तो मैंने आराम से पूछा, वो सारी वीडियो में बना ली थी, उसके बाद मैंने पूरी मीडिया, फिर उसके फादर से पूछा, मीडिया के सामने ये बातें हुई, फिर पुलिस ने दोबारा वो करने के लिए उस लड़के को गिरफ्तार करके और खुद आए, मतलब इंचार्ज ये कह रहा है कि हमने तो सेटिंग करी नहीं, लेकिन मेरे पास तो, मैं तो ये कहती हूँ पुलिस मेरे से सबूत मांगे, मैं सबूत दूंगी जिस आधार पे मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ, वो सारे सबूत दूंगी जिसमें पुलिस सेटिंग कर रही है, मांगती क्यों नहीं, पुलिस मांगे तो मेरे से मैं दूंगी ना। तो अब मैडम क्या पुलिस ने कार्रवाई की? उसके बाद उन्होंने क्या किया, रात को किशनपुरा चौकी से 11-12 थाना, 11-12 से किशनपुरा, वो इस तरीके से करते रहे और उस लड़की को रात को 1 बजे उस लड़के के साथ उन्होंने वहीं पे बागपत में भेज दिया, वहाँ जाके शादी कर लो, 1 महीने तक यहाँ दिखना मत, ये कह के पुलिस ने रात को 1 बजे उसको भेज दिया लड़की को। तो और सुबह प्रेस सुबह मैंने मीडिया के माध्यम से पता लगा कि उन्होंने पुलिस ने बोला कि भाई हमने तो ना जमानत दे दी थाने से ही लड़की को, 307 धारा में कैसे जमानत दे देंगे, 307 धारा बन दिया, फिर पुलिस ने धारा ही नहीं लगाई। लेकिन सजा यही मिली कि आखिरी में शादी होगी, मतलब आप कहा भी देखो ना ये चीज़, तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं तो प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ और सरकार से भी कहना चाहती हूँ कि ये तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को पैदा करो और उसको बाद फेंक दो और फेंकने के बाद फिर पुलिस तुम्हारी शादी करवाएगी, तुम अपने मौज से रहना। तो पुलिस का काम अब शादी करवाना भी हो, यही मान सकते हैं हम तो, क्योंकि मैं तो ये कह रही भी सारी रिकॉर्डिंग और सब कुछ हमारे पास है, लेकिन इतना होने के बाद भी ये दो मतलब बेटियों को आप ये कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दो बेटियों की तो आपके सामने ही है, कैसे बेटियाँ बचेंगी, अपने घर में बेटियाँ सेफ नहीं है, अपनी खुद माएँ, दो तो माएँ हैं आपके सामने आई हैं जो मतलब माँ ही अपनी बेटी की मतलब सबसे बड़ी गुनाहगार हैं, और ऐसे बचाने की कोई, आज कहाँ पहुँचे, आई जी मैडम से मिलने आए थे और अभी मैडम गई थी, मेरी बात हो गई थी, मैडम कह रही थी 1 घंटे तक आ रही हूँ तो अभी मैं मिलके जाऊँगा।